पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा, जनता शिवराज सरकार के कुशासन से त्रस्त है और अब ऐसी सरकार से मुक्ति का वक्त आ गया है। कमलनाथ सिवनी में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, जनता 18 साल के कुशासन से त्रस्त है। शिवराज ने जनता को झूठी घोषणाओं के सिवाय कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरा कोई भी लाभ नहीं उठाया गया, इस बार आप कांग्रेस को जिताएं और जनता के हितों के लिए लाभ उठाएं। कमलनाथ ने नौजवानों से कहा कि पिछले 18 सालों से यहां पर कोई भी काम नहीं हुआ है और आप सभी नौजवानों को यह समझना होगा, अब आप अगर छिंदवाड़ा से सिवनी की तुलना करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि छिंदवाड़ा में सभी विधायक कांग्रेस के हैं, नगर निगम भी कांग्रेस की है, महापौर कांग्रेस का 32 साल का आदिवासी नौजवान है। मेरी भी इच्छा है कि मैं सिवनी को छिंदवाड़ा बना दूं। कि अपने पड़ोस का जिला छिंदवाड़ा, मैं आपका पड़ोसी और आपने लाभ नहीं उठाया मेरा, आपने लाभ नहीं उठाया और 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यानी जीता, 18 साल कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों समझ लीजिए ये बात, इसीलिए मुझे दुख होता है। आप कहते हैं सिवनी का करो, छिंदवाड़ा से तुलना करते हैं, पर ये याद रखिएगा, छिंदवाड़ा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नगर निगम, वहां के नगर निगम का महापौर कांग्रेस का है, एक 32 साल का लड़का है आदिवासी, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। तो मेरी भी तमन्ना थी, मेरी भी इच्छा है कि सिवनी को मैं छिंदवाड़ा बनाऊं। कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवानों की आर्थिक मजबूती हो। मैं चाहता हूं कि आप सभी के बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं और ये हमारी चुनौती भी है। सभी चुनाव का अपना महत्व होता है। प्रदेश में 17 नवंबर को जो चुनाव है वो केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, वो पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के भविष्य की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप ही इस प्रदेश के रक्षक हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 17 नवंबर को जो आप बटन दबाएंगे वो बटन हमारे आनंद का नहीं होगा, आनंद का केवल बटन नहीं होगा, केवल कांग्रेस का बटन नहीं होगा। आप जो बटन दबाएंगे, याद रखिएगा ये बात, सबको समझा दीजिएगा, आप सिवनी जिले के भविष्य का बटन दबाएंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, मध्य प्रदेश की, अपने जिले की। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ तो दे देना। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं और मेरी जिम्मेदारी है, आप ये इतिहास बदलिए, जो सिवनी का इतिहास है आप बदलेंगे तो मैं भविष्य का इतिहास भी बदलूंगा, मैं बदलूंगा, ये आपके हाथ में है। और मुझे कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह के राज में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपके पास अगर 50 एकड़ जमीन भी है तो आप पैसे देकर गरीबी रेखा के नीचे अपना नाम लिखा सकते हैं, पैसे दो काम लो कि पूरी एक व्यवस्था खड़ी कर रखी है। 50% भ्रष्टाचार और कमीशन की सरकार चलाई है। मुझे पता है कि आपके यहाँ सड़कें उखड़ रही हैं, पुल टूट रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण 50% कमीशन है। और मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखिए, इतना भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है इन्होंने। 50% दो काम कराओ, मैं तो जगह जगह ये पूछता हूं क्या हाल है भ्रष्टाचार का। लोग चिल्लाते हैं किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में निकालो, ये हालात हैं। पैसे दो काम लो, इतना भ्रष्टाचार जिसकी कोई आज सीमा नहीं। और 50% भ्रष्टाचार, अभी आपका हाईवे भी टूटने लगा, टूट गया,
क्योंकि क्यों कमीशन लो। और जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, छोटे काम करते हैं, वो दे देते हैं कमीशन, काम शुरू करते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके बाद काम भी चौपट हो जाता है। ये आज तस्वीर आपके सामने है। शिवराज सिंह जी आएंगे, घोषणा करेंगे, 22,000 घोषणाएं करी हैं आजकल तो उनकी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।